किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए किसान साथियों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सभी बड़ी मंडियों की जो अपडेट है वो हमारे पास अपडेट होकर आ चुकी है। तो किस मंडी में कैसा माहौल देखने को मिला है आज, अगर आपको आलू के सभी मंडियों के रेट जानने हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचेगा। तो चलिए किसान साथियों अब मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी और सारी अपडेट के साथ बताऊँगा। तो किसान साथियों सबसे पहले बात करते हैं रुद्रपुर, उत्तराखंड रुद्रपुर मंडी में 600 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो आलू है वो किसान साथियों देखने को मिला है। वहीं पर किसान साथियों अगर बात करें हल्द्वानी मंडी की तो यहाँ पर 700 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो आलू है वो किसान साथियों देखने को मिला है। तो किसान साथियों अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की धमतरी मंडी के बारे में। यहाँ पर किसान साथियों 900 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू देखने को मिला है। अगर छत्तीसगढ़ के राजनंदनगांव मंडी की बात करें किसान साथियों तो 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये और कुरुद मंडी में किसान साथियों 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो आलू है वो देखने को मिला है। वहीं पर अगर दिल्ली आज़ादपुर मंडी के बारे में बात करें तो संभलसाड़ के आलू 240 रुपये से लेकर 360 रुपये और किसान साथियों जो पंजाब हरियाणा साइड के आलू है 260 रुपये से लेकर 310 रुपये और किसान साथियों जो एलआर आलू है 410 रुपये से लेकर 460 रुपये, चिप्सोना आलू है 460 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रत्येक 50 किलो के पैकेट के हिसाब से जो आलू है वो देखने को मिला है। वहीं पर किसान साथियों राजस्थान के जयपुर मंडी की बात करें तो 600 रुपये से लेकर 825 रुपये, जोधपुर मंडी में 675 रुपये से लेकर 860 रुपये के हिसाब से आलू देखने को मिला है। बिहार की बात करें बिहार की सराय मंडी में 750 रुपये से लेकर 800 रुपये और समस्तीपुर मंडी में 750 रुपये से लेकर 950 रुपये। वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें किसान साथियों तो 750 रुपये से लेकर 1050 रुपये प्रत्येक क्विंटल के हिसाब से आलू देखने को मिला है। और इंदौर मंडी की अगर बात करें तो ज्योति आलू 1000 रुपये से लेकर 1300 रुपये, चिप्सोना आलू 700 रुपये से लेकर 900 रुपये, छाटन आलू 400 रुपये से लेकर 900 रुपये और पोखराज आलू 800 रुपये से लेकर 900 रुपये, गुल्ला आलू 500 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रत्येक क्विंटल के हिसाब से जो आलू है वो किसान साथियों देखने को मिला है। वहीं पर किसान साथियों बात करते हैं फिरोजपुर, पंजाब फिरोजपुर में 200 रुपये से लेकर 260 रुपये प्रत्येक 50 किलो के पैकेट के हिसाब से और किसान साथियों फरीदाबाद मंडी में जो यहाँ पर हाइब्रिड आलू है 300 रुपये से लेकर 450, सूर्या आलू है 450 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रत्येक किसान साथियों पैकेट के हिसाब से जो आलू है वो आज देखने को मिला है। अगर आगरा मंडी की बात करें किसान साथियों तो आगरा मंडी में सुपर 681 लेकर 750 और मीडियम 700 किसान साथियों मीडियम 500 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रत्येक क्विंटल के हिसाब से आलू देखने को मिला है। नासिक मंडी की बात करें तो 700 रुपये से लेकर 1200 रुपये, नागपुर मंडी की बात करें तो 500 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रत्येक क्विंटल के हिसाब से आलू देखने को मिला है।